गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बारहवीं वाले बच्चे, सिद्धि हिंदी विद्यालय के इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अब बच्चों, यहाँ पे हमारा काव्य में जो चौथा काव्य है, पहला दूसरा हमने देखा। पहला काव्य आत्मपरिचय है, जो हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित था। दूसरा काव्य पतंग, जो आलोक धनवा ने लिखा था। तीसरा काव्य हमें नहीं पढ़ना है, चौथा काव्य हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कैमरे में बंद अपाहिज। ठीक है, इस काव्य में मैंने आपको थोड़ा सा सारांश बताया था कि जैसे कि कोई इंसान होता है, यहाँ पे कवि हमें क्या कहना चाहते हैं। एक बात मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, आगे भी आपको कहा था मैंने, कैमरे में बंद अपाहिज कहाँ से लिया गया है, जो भूल गए हैं, ये काव्य संग्रह में से लिया गया है। हो सकता है एक वाक्य में परीक्षा में पूछा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा ये जो सारांश चल रहा था, उसमें मैंने आपको भावार्थ में बताया कि जैसे कि ये जो मीडिया होती है, अर्थात ये जो स्टूडियो होता है जहाँ पे तरह तरह के न्यूज़ लोगों को समाचार दिए जाते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा कि कुछ एक इंसानों को भी जैसे कि लोगों को उत्साह मिले, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले, वो हिम्मत ना हारे, इसके लिए ये न्यूज़ चैनलों में ऐसे ऐसे इंसानों को लाए जाते हैं जिनके जीवन में ऐसी कोई घटना घटित होती है। उनका जो कर्तव्य होता है, उनका कर्तव्य ये होता है कि जो इंसान उनके सामने बैठा हुआ है उसकी कहानी वो प्रकाशित करें, ताकि लोगों के जो लोग जो हार गए हैं, जिनको ऐसा हो कि मेरे जीवन में इस तरह से कोई घटना हुई है, तो वो हारे ना अपने जीवन में ऐसे इंसानों को देखे, एक अनुभव के रूप में, उदाहरण के रूप में देखे और फिर अपने जीवन में आगे बढ़े। लेकिन क्या होता है, कभी कभी कुछ एक जगहों पे ऐसा होता है स्टूडियो में कि जो पत्रकार होते हैं, ये पत्रकार प्रश्न पूछते चले जाते हैं और जो बेचारे जिसके साथ ऐसी घटना घटित होती है, वो इंसान के दिल पर क्या गुजरती है, कभी कभी क्या होता है, उसे ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि वो स्टूडियो के रूम में भी बैठा बैठा रोने लगता है, वो वापस उस फ्लैशबैक में चला जाता है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से प्रश्न, यहाँ पे कैमरे में बंद अपाहिज, ये काव्य का शीर्षक ही बच्चों बहुत कुछ कहता है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे ये काव्य दिखा रही हूँ, कैमरे में बंद अपाहिज। अपाहिज यानि विकलांग, जिसके हाथ पैर नहीं है। पहले वो पूर्ण इंसान था, लेकिन उसके जीवन में कोई घटना ऐसी ज़रूर घटी होगी जिसकी वजह से ऐसा हो गया है। यहाँ पे चित्र में आपको दिखा रही हूँ, चित्र में देखिए कैमरा है एक हाथ में पकड़ा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे ये काव्य का शीर्षक ही हमें बहुत कुछ कह देता है। तो पत्रकार जो होते, पत्रकारों को भी आप सवाल जवाब कीजिए, आपका ये कर्तव्य है, आपको कोई नहीं रोक सकता और कोई रोकेगा भी नहीं, आपका ये जो जिम्मेदारी है आप पूर्ण कीजिए। लेकिन आपके जो सूची बनाते हो प्रश्न की, उन प्रश्न की सूचियों में थोड़ा संवेदनशीलता लाना ज़रूरी है, ताकि जो सामने वाला इंसान हो, ये सामने वाले इंसान की जो स्थिति है, अर्थात वेदना, उसको ज़्यादा ना हो, उसको तकलीफ दुख ज़्यादा ना हो, वो एक मिसाल के रूप में दुनिया के सामने कायम हो, खुद की उसकी हिम्मत भी बढ़े, ऐसे प्रश्नोत्तर हमें करने चाहिए। तो यहाँ पे ये बच्चों, ये जो पूरा काव्य है, ये काव्य को अब हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज, काव्य के सबसे पहले शुरुआत में देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज है, तो आप क्यों अपाहिज है, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए, आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और बच्चों समझेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम दूरदर्शन पर यानी पत्रकार, ये यहाँ पे ऐसा नहीं, बहुत सारी चैनलों के बारे में भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक स्टूडियो है, उस स्टूडियो में हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, अर्थात पत्रकार। ठीक है, हम समर्थ शक्तिवान, जो यहाँ पे मीडिया है, अर्थात ये जो हम शक्तिमान यानी पत्रकार के बारे में, कि हम सर्व जगहों से समर्थ हैं, यानी एक हमारी स्थिति थोड़ी मजबूत है, हम शक्तिवान हैं। कौन कहेगा, ये पत्रकार। हम एक दुर्बल को लाएंगे, अर्थात ये जो मीडिया होती है, ये जो न्यूज़ चैनल होती है, उन्होंने क्या कहा, पत्रकार ने क्या कहा, हम एक दुर्बल यानी कमज़ोर को लाएंगे
एक बंद कमरे में, कहाँ लेकर आएंगे, एक बंद कमरे में जिसको हम स्टूडियो कहते हैं, स्टूडियो रूम जो होता है जहाँ से ये न्यूज़ आती है उसको यहाँ पे बंद कमरा यानी स्टूडियो रूम कहते हैं। तो यहाँ पे हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, यानी पत्रकार कहता है कि हम एक मीडिया है और हम एक न्यूज़ चैनल पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान है। पत्रकार कहता है मीडिया जो है वो समर्थ शक्तिवान होती है, हम में बहुत सारी खूबियाँ हैं, हम एक दुर्बल को लाएंगे, अर्थात हम एक कमज़ोर इंसान को लेकर आएंगे, कहाँ पे, एक बंद कमरे में, अर्थात एक स्टूडियो के रूम में। अब बच्चों थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे सीधी सरल भाषा में। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे जो लेखक, यहाँ पे जो कवि है, ये कवि की खासियत क्या है कि वो बोलचाल की सीधी सरल भाषा में काव्य लिखते हैं। ये थोड़ा सा पढ़ा तो अब आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज है, सबसे पहला प्रश्न। पत्रकारिता अर्थात जैसे कि कोई विकलांग इंसान को लेकर आए हैं, उसको सामने बिठाया है और पहला प्रश्न क्या पूछेंगे हम उससे, पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हो, अपाहिज यानी विकलांग हो, तो आप क्यों अपाहिज हो। दूसरा प्रश्न, आप अपाहिज हो लेकिन क्यों अपाहिज हो। अब ये कौन सा प्रश्न हुआ, कोई इंसान विकलांग है, आप पूछोगे उससे कि क्यों तुम विकलांग बने हो। कोई इंसान को विकलांग बनना पसंद होता है? नहीं, हर इंसान को अपूर्ण इंसान बनना अच्छा लगता है, हाथ पैर उसके सही सलामत हो ये उसको अच्छा लगता है। कोई भी हाथ पैर मतलब काम ना करे, टूट जाए या कोई घटना घटित हो जाए और ना रहे, तो ये प्रश्न नहीं होता। कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि उसके हाथ पैर टूट जाए। तो ये कैसा प्रश्न हुआ कि क्या आप क्यों विकलांग हो, क्यों मतलब यहाँ पर उसके साथ कोई घटना घटित हुई है। तो ये दूसरा प्रश्न, उसका ध्यान से देखिएगा। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। अब कोई भी इंसान जो विकलांग है, जिसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, तो वो इंसान दुखी है, परेशान है। वो भले ही दुनिया के सामने हंसता हो, खिल के मुस्कुराता हो, लेकिन उसके मन के भीतर एक थोड़ा सा, हम कहते ना वो कितना ये नहीं समझता। हम बच्चों, हमारे सामने से बहुत सारे वास्तविक जीवन में भी, आज की 21वीं सदी में भी उदाहरण है जिसके हाथ पैर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी, यहाँ पे किसी के हाथ नहीं होते तो पैरों से ड्राइंग करते हैं, किसी के पैर नहीं होते हैं तो यहाँ पे वो सारा काम जो होता है वो हाथों से चलने का काम करते, किसी के हाथ पैर दोनों नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। समझ में, ऐसे बहुत सारे इंसान जो जिसके पैर नहीं होते फिर भी वो डांस करता है, जिसके पूरा विकलांग है फिर भी वो इंसान किस प्रकार से ड्राइंग करता है, आप वो देखो। बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो जिसके पास बहुत सारी खूबी, ऐसे इंसानों को देखकर हमें जीने का हौसला बढ़ता है, जीने की उम्मीद होती है। इंसान हारा हुआ इंसान भी जीत के आगे हारता नहीं है, मतलब जीत की और आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर ऐसे ही बात की गई है, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। अब कोई इंसान विकलांग है तो आप उससे ये पूछोगे कि तुम अपाहिज हो, तुम चल नहीं पाते हो, तो क्या मतलब तुमको दुख होता है, तुमको दुख देती है ये परिस्थिति। ब्रैकेट में लिखा हुआ है कैमरा दिखाओ इस बड़ा बड़ा, अर्थात जो कैमरामैन होता है उसकी और वो पत्रकार मतलब देखता है, उनकी जो सांकेतिक भाषा होती है वो सांकेतिक भाषा में इशारे करता है कि जो अपाहिज इंसान है उसके चेहरे, उसके ऊपर थोड़ा जूम करके कैमरा डालो। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए बता नहीं पाएगा। अब यह प्रश्न वापस है, देखिए, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। आपको पता है वो इंसान विकलांग है, अपाहिज है, लेकिन फिर भी आप उसे पूछ रहे हो कि आपका दुख क्या है, हमें विस्तार से बताइए कि आपका दुख, जल्दी बताइए। यहाँ पे वो इंसान जो पहले से अपाहिज है, विकलांग है, जो दुखी इंसान है, आप उसके साथ, अब यहाँ पे पत्रकार के ये प्रश्न आप देखो, हर जगह पे ऐसा नहीं होता है लेकिन कुछ एक हम कहते हैं ना भ्रष्टाचार कहीं पे भी फैला हुआ है, जगह जगह फैला हुआ है, तो ऐसे एकाध दो जगह पे ही हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जो दुखी इंसान होते हैं, ऐसे इंसानों के साथ जब प्रश्न, ये मीडिया का अपना खुद का यहाँ पे प्रश्नोत्तर सूची होती है, हम मानते हैं वो ये उनका हक होता है, लेकिन ऐसे प्रश्न जो सही मायने में देखा जाए दुखी इंसान को और दुखी कर दे। यहाँ पे हमने प्रश्न देखे, पहला प्रश्न आप अपाहिज हो, आप क्यों अपाहिज हो, वो खुद से तो अपाहिज नहीं बना, ठीक है, अपाहिजपन आपको दुख देता है, ये कौन सा प्रश्न हुआ भाई, कोई इंसान विकलांग है वो दुखी है, ठीक है, तो वो दुख तो उसको होता ही होगा, लेकिन उसको पूछ के क्या फ़ायदा, आप क्यों उसके दुख को बढ़ाना चाहते हो। वापस वाला प्रश्न, वापस चौथा प्रश्न देखो, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, आपको पता है ना वो विकलांग है, ये सबसे बड़ी उसका दुख है, फिर भी आप पूछ रहे हो कि आपको क्या दुख है, जल्दी बताइए आपका दुख हमें बताइए। तो
बच्चों यहाँ पे ये जो काव्य है वो थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा सा समझेंगे, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। आज के इस वीडियो में यहाँ तक हम रुकते हैं। आने वाले वीडियो में थोड़ा इसे आगे का जो है दूसरा हिस्सा, मतलब उसको थोड़ा और समझेंगे। सीधी सरल भाषा में ये काव्य लिखा हुआ है, जिसको पढ़ने में समझने में हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। तब तक के लिए यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू।